बात चुनावी अखाड़े की करेंगे, जहां पर आज भी तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो ओडिशा में वो रैली करने वाले हैं, और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री मोदी की चार रैलियां हैं। अमित शाह की बात की जाए तो बिहार पर उनका फोकस होगा और पश्चिम बंगाल में उनका फोकस रहेगा, जबकि राहुल गांधी की बात की जाए तो वो भी आज चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आज भी बयानों की बौछार होगी, क्योंकि आज पीएम मोदी की चार रैलियां हैं। सबसे पहले ओडिशा के बहरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद उनकी नवरंगपुर में रैली होगी। ओडिशा के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे और राजमुंदरी में विपक्ष पर बरसेंगे। आंध्र में पीएम की एक और सभा अनकापल्ली में होगी। आज अमित शाह का फोकस पश्चिम बंगाल और बिहार पर रहेगा। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में रोड शो करेंगे और फिर वर्धमान में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली होगी। इसके अलावा शाह बिहार के समस्तीपुर में विपक्ष पर गरजेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का खेमा भी अपनी पूरी ताकत से प्रचार में जुटेगा। राहुल गांधी एमपी के रतलाम और खरगोन में हुंकार भरेंगे, जबकि प्रियंका गांधी आज से वोटिंग तक रायबरेली और अमेठी में डेरा डालेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तेलंगाना में तीन जनसभाएं होंगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। कल दक्षिणी दिल्ली में उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा कि उनके पति शेर हैं और वो झुकने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी के एहसास को कम करने के लिए सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। ये रोड शो उसी की गवाही दे रही है। ये इलाका दिल्ली के देवली का है, जहां आपके टिकट पर सही राम पहलवान दांव आजमा रहे हैं, जिसके प्रचार के लिए सुनीता कूदी है और केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांग रही है। पति अरविंद केजरीवाल जी को पिछले डेढ़ महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। अगर ये जांच 10 साल चलेगी तो क्या जेल में 10 साल रखेंगे? यही नहीं, सुनीता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में ये भी कह डाला कि केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे बीजेपी की साजिश है। केजरीवाल जी का कसूर ये है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, अब शिक्षा अच्छी मिलती है बच्चों को, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। दिल्ली में वोटिंग 25 मई को होगी, जबकि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 7 मई की सुनवाई में उनकी जमानत पर विचार हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।